खबर सारण बिहार से है, जहां तेज रफ्तार का कहर इन दिनों सारण में काफी तीव्र हो गया है। अलग अलग घटना में प्रत्येक दिन लोग काल के गाल में चले जा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण तेज रफ्तार वाहन चलाना है। वहीं कल भिल्दी चौक पर यूपी नंबर का ट्रक जिसमें बालू लदा हुआ था, वहीं उसके विपरीत दिशा से सोनहो की ओर से आ रही गाड़ी को बचाने के चक्कर में ट्रक चालक ने अपना संतुलन खो दिया और जाकर उसके विपरीत दिशा में दुकान बंद कर रहे नीरज कुमार के फल दुकान में टक्कर मारते हुए उसको रेंगते हुए सीधे सरकारी मवेशी हॉस्पिटल में पूरी तरह से अंदर जाकर जोरदार धक्के के साथ रुक गया। मौका पाते ही ड्राइवर खलासी घटनास्थल से फरार हो गए। वहीं नीरज कुमार की घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। भिल्दी थाना को सूचना मिलते ही घटनास्थल पहुंच शव को बाहर निकाल पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर भेजा गया। हालांकि आक्रोशित लोगों ने कुछ गाड़ियों पर पथराव भी किया, लेकिन समय रहते प्रशासन ने स्थिति को अपने नियंत्रण में किया, जबकि नीरज कुमार फल बेचकर अपने घर का जीविका चलाता था। चार भाइयों में यह दूसरे नंबर पर था, जबकि लोगों द्वारा बताया गया कि उसके बड़े भाई की शादी 18 फरवरी को होने वाली है, जिसको लेकर लगभग तैयारी पूरी हो चुकी थी। लोगों का कहना है कि चौक काफी खतरनाक बनती जा रही है। वहीं लगातार ओवरलोड बालू का संचालन होने के कारण यहां हमेशा दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।